ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। भेल्टस की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। गोपाल शेट्टी बीजेपी का कमल लिए घूमते रहे, 32 साल टस से मस नहीं हुए, तब से बीजेपी का झंडा लिए घूम रहे हैं, जब मुंबई में बीजेपी कोई मजबूत पार्टी नहीं थी। ऐसा नहीं है कि गोपाल शेट्टी कार्यकर्ता भर रह गए, पार्टी से कभी कुछ नहीं मिला। दो बार बीजेपी के टिकट पर विधायक बने, दो बार सांसद बने, लेकिन 2024 में नौबत ऐसी आ गई कि 70 साल की उम्र में निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ रहा है। मजबूरी यह है कि अगर निर्दलीय लड़ने की हिम्मत नहीं जुटाई तो राजनीति खत्म हुई समझो। बीजेपी की जिस तीसरी लिस्ट से गोपाल शेट्टी का टिकट कटना कंफर्म हुआ, उसी लिस्ट में देवेंद्र फडणवीस को पीए और कांग्रेस से बीजेपी में आए दो नेताओं को भी टिकट मिल गया। पीए सुमित वानखेड़े आरवी सीट से बीजेपी उम्मीदवार बने। 2019 के चुनाव में फडणवीस के एक और पीए अभिमन्यु पवार को औसा से टिकट मिला था। अभिमन्यु पवार पीए से विधायक बन गए। सुमित वानखेड़े की किस्मत का फैसला होना बाकी है। गोपाल शेट्टी से रहा नहीं गया कि बीजेपी के प्रति इतनी पुरानी निष्ठा और दिग्गज नेता होते हुए भी बैक टू बैक टिकट कटता ही जा रहा है। गोपाल शेट्टी मुंबई नॉर्थ लोकसभा सीट से दो बार सांसद का चुनाव जीते थे, इस बार भी टिकट मांग रहे थे लेकिन सीट पीयूष गोयल को दी गई। गोपाल शेट्टी के समर्थकों ने मुंबई की सड़क पर जमकर हल्ला मचाया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पीयूष गोयल चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए, अपमान का घूंट पीकर चुप हो गए गोपाल शेट्टी, शायद ये सोचकर कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव में बोरीवली सीट से टिकट मांग रहे थे, वो भी पार्टी ने नहीं दिया। शायद बीजेपी की नजरों में गोपाल शेट्टी की कोई अहमियत रही नहीं। गोपाल शेट्टी बस गिनती गिन रहे हैं कि कैसे उनके बोरीवली में कोई ना कोई आकर उनका टिकट खाए जा रहा है। पहले विनोद तावड़े, फिर सुनील राणा, फिर पीयूष गोयल, अब संजय उपाध्याय। गोपाल शेट्टी के लिए बीजेपी में जब कोई विकल्प बचा नहीं तो बागी हो गए। आखिरी दिन निर्दलीय नामांकन भर दिया। गोपाल शेट्टी कह रहे हैं कि बोरीवली कोई धर्मशाला नहीं कि कोई बाहरी आकर टिकट पा जाए और वो देखते रहे। जिस संजय उपाध्याय को गोपाल शेट्टी बाहरी बोल रहे हैं वो मुंबई बीजेपी के महासचिव हैं, बस बोरीवली में नहीं रहते इसलिए बाहरी हुए। मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूँ, मुझे टिकट नहीं मिला इसका ये लड़ाई नहीं, मैंने टिकट मांगा ही नहीं, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेरा नाम सुझाया, पार्टी के ऊपर के फोरम पर भी मेरा नाम चला, ये वास्तविकता है, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिला इसलिए लड़ाई नहीं। मुद्दा यहाँ पर बोरेली के लोकल कार्यकर्ताओं में से किसी को टिकट मिलना चाहिए, ये मुद्दा है और ये बार बार हो रहा है, जिसलिए बोरेली के बहुत सारे नगरजनों ने मुझे ये कहा कि गोपाल भाई हमने 35 साल आपको साथ दिया, आपने इस बार हमारा साथ देना चाहिए, अगर आप जैसा व्यक्ति भी ये लड़ाई इस प्रकार की लड़ाई लड़ेगा नहीं। ये सामान्य बोरेली का मतदाता सोचता है तो उसमें ग्रेविटी कितनी है ये हमको समझना पड़ेगा, और इसलिए मैंने भी इतना गंभीरता से नहीं लिया था कि भाई विनोद तावड़े आए लड़े जीते, सुनील राणे आए लड़े जीते, पीयूष गोयल जी को मोदी जी ने कहा लड़ाया जिताया हो गया, लेकिन अब चौथी बार भी जब वही हुआ तो फिर एकदम बात चौकट के बाहर गई है, ऐसा मुझे कहना पड़ेगा। सर देखा जाए तो ऐसा कहा जाता है बीजेपी का ही वॉर होते हैं और गोपाल शेट्टी तो अगर महाराज जीत के आता है, सुनील राणे हुए, विनोद तावड़े जी हुए या पीयूष गोयल जी थे, उस बारे में क्या कहना चाहोगे? नहीं, मुझे इस बात का बिल्कुल घमंड नहीं कि मैं किसी को जिता के लाता हूँ, बिल्कुल नहीं। बोरेली का एक अपना कल्चर है, बोरेली है भारतीय जनता पार्टी का एक मतदार संघ के रूप में विकसित हुआ है। अब बोरेली में लोगों को ऐसा लगता है अब बोरेली गढ़ बन गया, ऐसा नहीं है। मैं 92 में लड़ा तो कांग्रेस के सुशीला रंबेक के सामने लड़कर मैं जीतकर मैं नगर सेवक बना, फिर उसके बाद में दो बार मैं जीता। 2004 में जब विधानसभा मुझे लड़ने के लिए कहा गया तब हेमेंद्र भाई सामने लड़ गए, फिर मैं जीता और मैं दो बार विधायक बना। 2014 में जब सांसद लड़ने के लिए कहा तब भी दो बार कांग्रेस, एक बार गोविंदा और एक बार संजय निरुपम जीते थे, उनके सामने लड़कर जीतकर मैं सांसद बना।
एक नगर सेवक का एक विधायक हमने दो बनाया, मेरे आने के बाद में चार हो गए, 12 नगर सेवक थे उसको 24 तक पहुंचाने का काम पार्टी के सारे लोगों ने मिलकर किया, इसलिए इसमें सबका इन्वॉल्वमेंट है, पार्टी के पॉलिसी, पार्टी के प्रोग्राम। देवेंद्र फडणवीस जी हमारे नेता, उन्होंने महाराष्ट्र में जिस प्रकार का काम किया, सारा सभी लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है। 2014 में मोदी जी ने जिस प्रकार से देश को एक नया दिशा दिया, उनका एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेकिन थोड़ा सा तो हमारा भी तो कुछ तो है ना, थोड़ा सा तो है। और मैं मेरे लिए काम मांग रहा हूँ कुछ, मैंने मेरे लिए काम मांगा, मैं तो 2024 का चुनाव होने के बाद एक दिन भी घर पर ना बैठते हुए मैं आज भी काम कर रहा हूँ। मैं आज सवेरे मनीषा ताई चौधरी जी, प्रकाश सुर्वे जी, योगेश सागर जी, विनोद चेलार जी, इन चारों लोगों का फॉर्म भरने का काम आज दोपहर को 2 बजे तक 3 बजे तक हम लोगों ने किया, 3 बजे तक हम लोगों ने किया। और उसके बाद में जब टीवी में फ्लैश हो गया कि बोरेली का टिकट संजय उपाध्याय जी को दिया, तो सारे कार्यकर्ताओं का मैसेज कहो भावना मुझ तक पहुंची, और अभी मेरे घर के सामने सब आकर धरने पे बैठने का उन्होंने तय किया। सारे लोगों ने मिलकर ये तय किया कि हमने कल अपक्ष फॉर्म भरना चाहिए और इस लड़ाई को लड़ेंगे। बात की बात है, अभी तो कल तो फॉर्म भरने का और इस लड़ाई को लड़ने का तय किया है। जिताना हारना ये तो पब्लिक के हाथ में होता है, वो हमको नहीं। एक वो चीज़ थोड़ा है कि महंगा सस्ता खरीद लिया, ये चुनाव है, चुनाव में तो जनता माए बाप होती है, मतदाता माए बाप होता है, वो तय करेगा। लेकिन जो मुद्दा है उस मुद्दे को लेकर मैं लोगों के सामने जाऊंगा, उनको लगता है भाई सही सचमुच में अन्याय हुआ है तो वो काम करेंगे अपना, उनकी भी तो कुछ जवाबदारी है ना। लोगों ने अभी मुझे ये कहा कि आप ये लड़ाई नहीं लड़ोगे तो आने वाले 50 साल कोई नहीं लड़ेगा, तो मैं उसके लिए तैयार हो गया। बीजेपी में गोपाल शेट्टी के साथ खेल ही हो रहा है। 2014 के विधानसभा में बोरीवली से विनोद तावड़े चुनाव लड़े, आजकल बीजेपी हाईकमान में बड़े पावरफुल हैं। 2019 में बीजेपी ने सुनील राणा को उतार दिया। सुनील राणा सिटिंग विधायक थे, लेकिन टिकट उनका भी काट दिया। जब सिटिंग विधायक का टिकट नहीं बचा तो गोपाल शेट्टी की दावेदारी में कहां दम बचा था। 2024 में गोपाल शेट्टी की लोकसभा सीट मुंबई नॉर्थ पहले ही पीयूष गोयल को जा चुकी है। इसके बावजूद कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में गोपाल शेट्टी ने नॉर्थ सीट जीती थी, सिटिंग सांसद होते हुए उनका टिकट काट कर पीयूष गोयल को टिकट दिया गया। मुंबई की राजनीति में गोपाल शेट्टी ने बड़े बेसिक से शुरुआत की थी। 1992 में बीएमसी के कॉरपोरेटर चुने गए, इतना बढ़िया काम किया कि बेस्ट कॉरपोरेटर का अवार्ड और डिप्टी मेयर का पद मिला। बीजेपी संगठन के बेसिक लेवल मंडल सचिव से शुरुआत की, मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष भी बने। 1992 से 2004 तक 3 बार कॉरपोरेटर बनने के बाद प्रमोशन हुआ तो विधायक का चुनाव लड़ने लगे, 2 बार बोरीवली के विधायक बने। 2014 से और भी बड़ा प्रमोशन होने लगा, मुंबई नॉर्थ सीट से बीजेपी का लोकसभा टिकट मिला, शेट्टी को जीत मिली। रिटर्न गिफ्ट में 2019 में फिर टिकट मिला, उन्होंने कांग्रेस की सेलिब्रिटी उम्मीदवार उर्मिला मातोंडकर को हरा कर सीट जीती। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 4,60,000 वोटों के अंतर से उर्मिला को हरा कर सांसद बने थे गोपाल शेट्टी। ट्रेजेडी कुछ ऐसी हुई कि लगातार 2 बार जीतने के बाद भी 2024 में टिकट कट गया। आज या तो नहीं लड़े या निर्दलीय लड़े। ऐसा नहीं कि गोपाल शेट्टी कभी बीजेपी की लाइन लेंथ से भटके हों। लोकसभा सांसद होते हुए उन्होंने सांसद में प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया। बिल में ये कानून बनाने की मांग की गई थी कि सांसद जब संसद की शपथ ले तो भारत माता की जय बोलना जरूरी हो। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।